का जो डेट आई है ना, एक बच्ची ने भेजी है। अच्छा, लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है? लैक्टेज एंजाइम की लैक्टो व्हाट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस? अवर स्मॉल इंटेस्टाइन डज नॉट प्रोड्यूस एन एंजाइम व्हिच इज नोन एज लैक्टेज एंजाइम। ठीक है, ये लैक्टेज एंजाइम आपको जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि अगर आपके पेरेंट्स के अंदर डिजीज है तो बच्चों के अंदर कुछ चांसेस हैं कि डिजीज हो। ठीक है, तो इसकी दो, एक तो होती है एक्यूट लैक्टोज इंटॉलरेंस। वो एक्यूट लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन किसी डिजीज की वजह से डैमेज हो गया, तो उसके सेल जो है ना लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस करना छोड़ गए हैं, तो फिर आपकी लैक्टोज जो मिल्क के अंदर होती है वो डाइजेस्ट नहीं होती और फिर जो डायरियल फीलिंग आती है, नॉइज प्रोडक्शन आपके पेट के अंदर, ब्लोटिंग फीलिंग, क्रैम्प्स आते हैं। और उसकी रीजन मैं बताता हूँ कि ये अच्छी चार चीज़ें क्यों आती हैं, उसकी रीजन मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अच्छा, तो एक तो होती है अक्यूट लैक्टोज इंटॉलरेंस, उसमें लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता अगर आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल, वो सेल जो लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। और कुछ में क्रोनिक होती है, यानी कि वो बिल्कुल उसमें लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो उसमें क्या होता है, ये जब लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता, कोई भी आप मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं जिसकी फर्मेंटेशन नहीं हुई, योगर्ट आप लेंगे तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं काज करेगा क्योंकि उसमें जो लैक्टोज शुगर है उसकी ऑलरेडी फर्मेंटेशन हुई होती है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है कि जो आपका लैक्टेज एंजाइम है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो अगर लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये प्रोड्यूस तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है और उधर ये इसकी डाइजेशन होती है और अब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन अगर लैक्टेज एंजाइम ये किसी का माई का आना है वो आप कर लें, तो अगर लैक्टेज एंजाइम जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो लैक्टोज स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होके अब्जॉर्ब नहीं होगी ग्लूकोज और लैक्टोज की फॉर्म में। तो होगा क्या, ये एक जो लैक्टोज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, वहां पे होती है उसकी फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में गैस भी प्रोड्यूस होती है, एसिड भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया है और जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं वो उसकी फर्मेंटेशन काज कर देते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया हैं और जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो जब उसकी एरोबिक और एनरोबिक फर्मेंटेशन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, तो क्या होगा, एसिड प्रोड्यूस होंगे, गैस प्रोड्यूस होगी, गैस की वजह से पेट फूल जाएगा, ब्लोटिंग फीलिंग आएंगी, और जो एसिड है उसकी वजह से पीएच लो हो जाएगी और पीएच को मेंटेन करने के लिए बॉडी जो है वो जो एंटी पैरास्टाल्सिस मूवमेंट शुरू कर देंगी और वोमिटिंग, हल्की सी वोमिटिंग हो जाएगी। इसके अलावा जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उसकी वजह से ब्लोटिंग और नाइज प्रोडक्शन होती है, यानी कि आवाजें आती हैं गोड़ गोड़ की। इसके अलावा क्रैम्प्स यानी कि पेन होता है आपके जो बैली है उसमें पेन शुरू हो जाते हैं। तो ये जो गैसें प्रोड्यूस हो रही हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ड्यू टू फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया, और एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से डायरियल फीलिंग आती है, ब्लोटिंग फीलिंग आती है, नाइज प्रोडक्शन होती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो ये जो क्रैम्प्स आ जाते हैं और ये फिर क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं। तो ये जो लैक्टोज इनटॉलरेंस है इसका फिर हल क्या है, इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप मिल्क प्रोडक्ट जो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं वो डाइट में लेना बंद कर दें। ठीक है, अगर वो अक्यूट है यानी कि फॉर द टाइम बीइंग डैमेज हुए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, तो 15 दिन के लिए आपने मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना, तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल खुद से ही रिपेयर हो जाएंगे और दोबारा से लैक्टेज एंजाइम की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये है 15 दिन, आपने अगर अक्यूट है लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी तो आपने 15 दिन के लिए मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेने। ठीक है, और 15 दिन के लिए मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा सिस्टम। तो ये है,
और फिर इसके ट्रीटमेंट क्या है, आप अगर मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले रहे तो फिर आप योगर्ट ले सकते हैं, दही ले सकते हैं जो कि यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, और इसमें लैक्टोज की आरआईडी फर्मेंटेशन, ये दैट्स ऑल अबाउट लैक्टोज इंटॉलरेंस।